25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 6 ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। सीबीआई कोर्ट पंचकुला का ऑडिट आया, उसके बाद फाजिलका में कुछ लोगों ने राइटिंग और आर्सन करने की जो कोशिश की थी और बस स्टैंड में जो बसेस थी उनको जलाने की जो कोशिश की थी, उसमें एक बस का नुकसान हुआ था और इसका बाद में फाजिलका पुलिस ने कॉग्निजेंस लेते हुए हमने एफआईआर दर्ज किया अंडर 435448 IPC एंड डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट। इसके अंदर हमने 2 बंदों को बाय नेम पे एफ आई आर दर्ज हुआ है, श्यामलाल पुत्र मिल्खराज और बिट्टू कुमार पुत्र अमरचंद, ये फाजिलका के जो नाम चर्चा करे उस नाम चर्चा कर डेरा के ये प्रेमी है और सेवादार है। पेट्रोल बम और पेट्रोल की कैनियों से बस को जलाने की कोशिश की और फाजिलका में एक दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी है। दोनों बंदे पकड़े गए हैं और इनके साथ और भी अन्य बंदों के ऊपर फाजिलका पुलिस कार्रवाई की। फिलहाल तो जो पूछताछ के दौरान इतना ही हम बता सकते कि इन दोनों ने बस और इसके साथ साथ जो ट्रक और जो तोड़ी के जो ट्रक थे इनको जलाने की कोशिश की और फाजिलका में जो आगजनी की कोशिश की थी, इनके साथ और भी बंदे होने की शंका है, और भी लोग शामिल होने की संभावना है। ड्यूरिंग पूछताछ पता चलेगा, अभी 2 जो लोग हैं वो बाय नेम आइडेंटिफाई हो गए, बाकी बंदों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश। फाजिलका तो दिलीप दत्त, खबर हर पल इंडिया ले।